नमस्कार, विंध्य भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं नजर अब तक की सबसे बड़ी खबर। खबर रीवा जिले के संजय गांधी अस्पताल से है, जहां पार्किंग कर्मचारी के ऊपर रात 3 बजे मोस्ट वांटेड अपराधी मोनू पीटीएस ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया। हमला चाकू से किया गया है। घायल का नाम सनी पटेल बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर अमहिया पुलिस पहुंची और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। घायल का इलाज रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि मोनू पीटीएस शातिर अपराधी है, जिसके कई अपराध शहर के विभिन्न थानों में दर्ज है। राजेश सिंह कसूली, क्या घटना हुई? सुबह 4:45 बजे घटना है। पार्किंग में 10-12 की संख्या में लोग आए, उसको पकड़ के ले गए, मार के फेंक के चले गए। किसको पकड़ के ले गए? कर्मचारी सनी पटेल। क्यों मारे, क्या वजह थी? अब ये घटना तो उसी को पता चलेगी क्या कैसा है। उसके कई जगह लगे हैं, घाव हैं, पैर में, पीठ में, हाथ में। मारने वाले का नाम क्या है? अभी मोनू बस का पता चल रहा है, बाकी कौन कौन लोग थे इनका इनकी जानकारी नहीं। कहाँ पर घटना घटी है? संजय गांधी बाउंड्री के पास। पार्किंग जी, कितने बजे आए थे? ये 3:15 बजे, 3:20 में। हाँ, तो कैसे आप लोगों को पता चला कि उनको खाली? कैमरा है, लगा है, फुटेज है। फुटेज आपके पास? मारने की फुटेज है? हाँ, नहीं मारने की फुटेज नहीं है, ले जाने की। कितने लोग आए थे? 10-12 की संख्या में थे। अभी ये जानकारी नहीं है। अभी क्या मारे हैं उनको? चाकू से मारे। अभी कैसी हालत है? अभी एडमिट है, होश नहीं है उसको। गंभीर है। क्या नाम है घायल का? सनी पटेल। कहाँ के रहने वाले? ढेकहा। पार्किंग में काम करते? हाँ। उम्र कितनी है उसकी? 32 वर्ष।